नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सैन्य कर्मियों से जुड़े हुए कानून के बारे में बताएंगे। हम आपको आर्मी एक्ट में क्या कुछ प्रावधान है उसकी जानकारी देंगे। सैन्य एक्ट सशस्त्र बलों में अनुशासन बनाए रखने से संबंधित कानून की भी जानकारी देंगे। हर देश को अपने सशस्त्र बलों के निर्माण, रखरखाव और प्रशासन के लिए कानून की एक संहिता की जरूरत होती है और भारत में इस कानून को द आर्मी एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत सैन्य कर्मियों के नियुक्त, निलंबन, सर्विस के नियम, खास शक्तियां, कोर्ट मार्शल से संबंधित तमाम प्रावधान रहते हैं। ये तो थी खैर बुनियादी जानकारी। आर्मी एक्ट से जुड़े हुए तमाम पहलुओं की विस्तार से जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। बहुत स्वागत है सर आपका। जी परमानंद पांडे जी आपको बताएंगे और इस विषय से संबंधित तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है आर्मी एक्ट से जुड़ा हुआ तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 01206127937 पर कॉल करिए या फिर 01206127938 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आर्मी एक्ट से जुड़ी हुई जानकारी आज हम आप तक पहुंचाएंगे, साझा करेंगे। परमानंद पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि विशेष तौर पर इस विषय को बहुत ही ज्यादा विस्तृत तरीके से, गहनता से आपको समझाने वाले हैं। पांडे जी, सबसे पहला मेरा महत्वपूर्ण सवाल यही है कि कौन लोग आर्मी एक्ट के तहत आते हैं, इसको विस्तार से बताएं। नेहा जी, थोड़ा मेरा कुछ गड़बड़ है, क्षमा कीजिएगा। जी जी जी, आर्मी एक्ट जो, इसके अंतर्गत वही लोग आते हैं जो आर्मी में जुड़े होते हैं और आर्मी में उसका सिपाही नहीं होता है। इनमें ऑफिसर रैंक के लोग होते हैं, जूनियर कमांडिंग ऑफिसर्स, वारंट ऑफिसर्स और ऑफिसर्स जो एक सर्टन रैंक के लोग होते हैं वही इसके अंतर्गत आते हैं। ये उससे गाइडेड होते हैं और जैसा कि आपने कहा कि आर्मी एक्ट इसलिए बनाया जाता है कि एक डिसिप्लिन इसमें रखनी पड़ती है और ये डिसिप्लिन जरूरी होती है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। अगर ये डिसिप्लिन इसमें से खत्म कर दी जाए तो निश्चित तौर पर उस देश का भविष्य ठीक नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर जो आर्मी एक्ट है, आर्मी एक्ट उससे जो बनाया जाता है, इसमें रखा गया आर्म फोर्सेस एक्ट, ये कोर्ट से संबंधित जो मामले आते हैं ये कोर्ट में न जाकर के इन्हीं आर्मी ट्रिब्यूनल्स के पास जाते हैं और आर्मी एक्ट में खासतौर पर जो सिपाही रैंक के ऑफिसर होते हैं उनकी भी बात जाती है, लेकिन वो किन्हीं किन्हीं मुद्दों पर आते हैं वो उन्हीं से संबंधित उस पर विचार किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम आर्मी एक्ट न रखें और छोटी छोटी बातों पर आप न्यायालय में चले जाए तो न्यायालय में उसका कब निपटारा होगा कोई किसी को नहीं जानता। इसी नाते इसमें एक प्रावधान रखा गया है समरी ट्रायल का, जैसे अगर कोई मान लीजिए कर रहा है तो उसका तुरंत का तुरंत निदान कर दिया जाए और आर्मी के ऑफिसर्स को इसका अधिकार मिलता है। उसमें एक चीज ये देखने की होती है कि आर्मी एक्ट में एक चीज ये देखने की खास तौर पर जरूरत होती है कि अगर किसी सिपाही ने वहां दुश्मन के क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहा है और फिर उससे वो मिलीभगत करके कुछ देश की सूचनाएं उनको दे दे रहा है तो वो भारत के, या भारत नहीं मैं कह रहा हूँ, पूरे देश के खिलाफ वो एक तरह का आप समझिए अपराध कर रहा है। उस अपराध से निपटने के लिए उसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता बल्कि उसका तुरंत का तुरंत निराकरण कर दिया जाता है। यही आर्मी एक्ट का खासतौर पर प्रावधान है। जी ठीक है, ये बताइए कि एक्ट के तहत सैन्य कर्मियों के बुनियादी हकों में बंदिशें कैसे और कब लगाई जा सकती है? ऐसे तो देखिए बुनियादी हक जो देश की सुरक्षा, जो आम आदमी है, सिविल लोग होते हैं, सिविलियन के भी बुनियादी हक कई बार छीन लिए जाते हैं। इमरजेंसी लगी हुई हो और कोई बहुत बड़ी घटना आ गई है और कोई कहे कि हम यहाँ मीटिंग करेंगे तो वहाँ मीटिंग तो नहीं कर सकता है। अगर कोई कहे कि हम यहाँ सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे हम कनेक्ट करते हैं।
लेकिन आज जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। विषय यही है कि आर्मी एक्ट से जुड़े हुए आज जो जानकारी आपको परमानंद पांडे जी दे रहे हैं, 01206127937 पर कॉल करके आप भी अपने विषय से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 01206127937 पर कॉल करिए, या दूसरा नंबर हमारा है 01206127938 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो परमानंद पांडे जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। परमानंद जी, आप अपनी बात को रखिए। नेहा जी, हमारी जो बात हो रही थी उसी दौरान ये डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी जी, वास्तविकता ये है कि अगर मान लीजिए आर्मी के पास कोई ऐसी चीज आती है और वो चले जाते हैं और उसको लेकर के अगर आप कोर्ट में आने लगेंगे फिर तो वो कहीं का मामला सुलझ नहीं पाएगा, कोई मामला नहीं रहेगा, इतना देर तक चला जाएगा कि जिसका हमको कोई समाधान नहीं मिल पाएगा। इसी नाते एक अनुशासन बनाए रखने के लिए इस एक्ट का जरूरत होती है, खासतौर पर इसके लिए। आपका मूल प्रश्न अगला क्या था? जी, सवाल यही था कि एक्ट के तहत सैन्य कर्मियों में बुनियादी हकों में बंदिशें कैसे और कब लगाई जा सकती है? ठीक ठीक ठीक, वो थोड़ी सी बात वहाँ बीच में अटक गई थी। बुनियादी हक तो ऐसा है कि मैंने कहा ना कि सिविलियन, आम सिविलियन के भी कई बार बुनियादी हक छीन लिए जाते हैं। जैसे कहीं आतंक मचा हुआ हो और उस आतंक के दौरान कुछ लोग कहें कि नहीं, हम यहाँ रैली करेंगे या मीटिंग करेंगे, तो भी उन पर रोक लगा दी जाती है। इसी तरह से एक सैन्य कर्मी अगर ये कहे कि हमारा बुनियादी हक है और ये हम बुनियादी हक को लेना चाहते हैं, तो सैन्य कर्मी के बुनियादी हक को नहीं माना जा सकता है। देश हित बड़ा होता है, समाज हित बड़ा होता है, और सैन्य कर्मी का बुनियादी हक बड़ा नहीं होता। इसीलिए उसके बुनियादी हकों को जब छीना जाता है तो इसलिए छीना जाता है कि जिससे देश का हित हो सके और समाज का हित हो सके और वो ये ढंग की बात नहीं कर सके कि हमको बुनियादी हक के नाम पर हम कह दें कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ोगे? तुम्हारे लिए जिम्मेदारी यही दी गई है कि तुम जो लड़ाई लड़ो, तुम आदेश का पालन करो। अगर आदेश का पालन नहीं करते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बुनियादी हक के छीनने के अधिकार वही होता है, उसी समय रखा जाता है। जी ठीक है। सर, ये बताइए कि एक्ट के तहत सैन्य कर्मियों की सर्विस खत्म करने का क्या प्रावधान है? एक्ट के तहत सर्विस कर्मियों का जो इनका प्रावधान है इनको खत्म करने का, अगर ये पता चला कि सैन्य कर्मी उसका ठीक ढंग से अनुपालन नहीं कर रहा है और उनकी एक ज्यूरी होती है जिसको कहते हैं आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में से एक ज्यूरी होती है, उस ज्यूरी ने पाया कि ये सैन्य कर्मी ठीक ढंग से पालन नहीं कर रहा है या कोई अधिकारी उसका पालन नहीं कर रहा है, तो उसको डिमोशन किया जा सकता है, माने उसको उसके पद में घटाया जा सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है, और उसके अगर मान लीजिए और गंभीर मामला हुआ और जांच में यह पाया जाता है कि जानबूझ करके इसका उपयोग गलत ढंग से प्रयोग करता है तो आर्म फोर्सेस एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उसको नौकरी से निकाला जा सकता है। जी ठीक है। ये बताइए सर कि एक्ट के तहत सैन्य कर्मी अगर देश के बाहर हो तो कैसे सर्विस खत्म की जा सकती है? देश के बाहर मान लीजिए कोई पुलिस का हो, सैन्य कर्मी हो और उसको किसी एम्बेसी में लगा दिया गया हो और वहां गया है, उसका काम देना है कि आपको वहां के बारे में सूचना दीजिए और सूचना देने के बजाय अपने देश से मिली हुई सूचनाओं को उनके उस देश में दे देता है, पैसे के कारण वो बिक जाता है। या कई जगह कई बार ऐसी स्थिति आ जाती होगी, आपने देखा हनी ट्रैप, कई बार ऐसे है कि हनी ट्रैप में आ जाते हैं, माने वो देखा जाता है कि महिलाएं जो है उनके पक्ष पड़ जाती है कि वो सूचनाएं एकत्रित करती है। अगर इन सारी चीजों की जानकारी लग जाती है कि हमारा सैन्य कर्मी देश की रक्षा के बजाय देश के सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है तो उसकी सेवाएं निश्चित तौर पर समाप्त की जा सकती है। और ऐसा एक नहीं अनेक बार हुआ है, एक बार नहीं अनेक, पूरी दुनिया में ये बात होती है कि मान लीजिए अमेरिका का कोई आदमी, अमेरिका का सैनिक
अगर अफगानिस्तान में आकर के अपने देश के हित के बजाय अपने देश का अहित कर रहा है, या भारत का कोई सैनिक पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान का हित साधने लगता है, पाकिस्तान के हित के लिए अपने जमीन को बेच देता है, पैसा लेता है और हमको देश के लिए सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और ऐसे एक्ट के साथ, इसी एक्ट के साथ उसकी सेवाएं समाप्त की जाती है और की भी गई है। कई बार ऐसी हो चुकी है घटनाएं कि ऐसे लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। जी ठीक है सर, एक्ट के तहत अगर कोई सैनिककर्मी या अधिकारी को छोड़कर अगर अपने वरिष्ठ अधिकारी पर गलत व्यवहार का आरोप लगाए तो किस तरह से कार्रवाई होती है ऐसे केस में? देखिए, एलिगेशन लगाने की बात पर तो कुछ नहीं, इसमें भी वही है जो सिविल लॉ में और जगहों पर वहां पर है कि कई बार अधिकारी के खिलाफ कई जूनियर ऑफिसर्स और तमाम सैन्य कर्मचारी आरोप लगाते रहते हैं। हाँ। तो उसके आरोप में ये जब तक कोई दम न हो और उसकी जांच जब तक हो जाने के बाद ये नहीं पाया जाता है कि इसके आरोप जो है दमदार है। कई बार ऐसा है कि कोई सैन्य कर्मचारी गया है, उसको बहुत पीड़ित और प्रताड़ित अधिकारी लोग करते हैं, तो उस स्थिति में उसकी जांच की जाएगी और जांच में एक आदमी का नहीं है, तीन लोगों का ट्रिब्यूनल बनता है और कई अधिकारियों के लिए तो पांच लोगों का बनता है, जूरी बनती है। उस जूरी ने एक कन्विंसिंग पॉइंट को खोजा है कि निश्चित तौर पर इसका एक तरह का इसके खिलाफ इसका अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जिसने वो अत्याचार किया है, जिसने उसका शोषण किया है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन सीधे आरोप लगा देने से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है जब तक वो जांच में सही नहीं पाया जाता है कि जो आरोप लगाया गया है उसमें दम है, वो बेदम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उसी एक्ट में प्रावधान है, वो दिया हुआ है, सेक्शन जो आर्म प्रोविजन एक्ट का है उसमें दिया हुआ है कि इसके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी और ये जब जांच में पाया जाएगा कि इसने ये गलत कार्य किया है तो। जी सर, एक्ट के तहत सैन्यकर्मी को कर्ज के एवज में गिरफ्तारी से राहत के क्या प्रावधान होते हैं? सैन्यकर्मियों की गिरफ्तारी का लाभ, मान लीजिए अगर सैन्यकर्मी है और कहीं गया है, सैन्यकर्मी गांव चला गया है या कहीं और जगह पर आ गया है, उसके खिलाफ वहां पुलिस एक्शन ले लेती है, लोगों ने उसके खिलाफ आरोप लगा दिया और वो ड्यूटी उसकी लगी हुई है कहीं सीमा पर, ऐसी स्थिति में सैन्यकर्मी को गिरफ्तार कर लिया जाता तो उसका हनन होगा, ये देश के लिए क्षतिग्रस्त, ये हानिकारक होगा, ऐसी स्थिति में उसको पूरी सुरक्षा मिली होती है कि पुलिस यानी सैन्य पुलिस जो सैन्य पुलिस के अलावा ये जो सिविल पुलिस है उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो उसकी गिरफ्तारी सिविल पुलिस के द्वारा होती है तो ये देश हित में नहीं होगा, इसीलिए उसको सुरक्षा मिली होती है कि उस सुरक्षा का पूरी तरह से अनुपालन हो और वह व्यक्ति वो आर्मी, इसीलिए सैन्य आर्मी जो सिविल पुलिस होती है उसको भी अगर किसी सैन्यकर्मी के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो उसकी शिकायत वो आर्मी को दे और आर्मी से कोई उसके मिलने के बाद ही उस पर काम किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। ये सुरक्षा उसके लिए अत्यंत आवश्यक है और ये देश के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है, इसी को ध्यान में रख करके उसको ये सिविल सुरक्षा दी जाती है। इस विषय पर बहुत ही गहनता से जानकारी दे रहे हैं सर। ब्रेक पे जाने से पहले आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, अब ये बताइए कि एक्ट के तहत सैन्य कर्मियों को कोर्ट मार्शल के दौरान सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई से किस तरह की राहत मिलती है? देखिए नेहा जी, जो ये एक्ट है उसके जो एक्ट सेक्शन 30 इसके बारे में बात करता है, आर्मी एक्ट का जो सेक्शन 30 है ये सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई के दौरान ये उसके बात करता है। कई बार मैंने कहा ना, जैसे शुरू में होता क्या है, आम तौर पर ये तो हर गांव से आने वाले जुड़े हुए लोगों को मालूम होता है कि उनके गांव का दो चार आदमी आर्मी में रहते हैं, वहां पर अगर आदमी आता है तो आर्मी के लोग कई बार इसका फायदा भी उठा लेते हैं और कई बार वो नुकसान भी उठाते हैं। उसमें यह होता है कि आर्मी के लोग आते हैं और वहां झगड़ा झंझट करके और मारपीट करके चले जाते हैं, तो उनके लिए ये लगता है कि देखिए हम छूट गए,
ये उनको राहत तो मिलती है। ये राहत देना इसलिए जरूरी हो जाता है कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, और वो उनको अगर ये आप जेल में बंद कर देंगे, यहीं पर पुलिस उठाकर बंद कर देगी, तो ये निश्चित तौर पर देश के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको राहत मिलती है तो राहत का तो दुरुपयोग करें वो। इसी नाते जैसे ही इस ढंग की कोई घटना होती है, वो आर्मी एक्ट के तहत वो उनको सूचना दी जाती है आर्मी को कि देखिए ये व्यक्ति यहाँ पर आया था, इसने मारपीट किया था और इसने गलत काम किया है। ऐसे ही सिविल एक्ट में मान लीजिए उसकी जमीन जायदाद का झगड़ा हुआ और जमीन जायदाद के झगड़े में वो कहता है कि नहीं हमको इस ढंग का काम होना चाहिए, तो भी वो आर्मी को सूचना दी जाए। लेकिन अगर उसको जबरदस्ती फंसा दिया जाता है, आर्मी क्रिमिनल और सिविल एक्ट में फंसा दिया जाता है, तो आर्मी के पर्सनल को, सैन्य कर्मियों को पूरी तरह से इसकी सुरक्षा मिली होती है कि वह इसके नाव पेश में ना आए और उससे वो सिविल एक्ट में, वो बार बार सिविल एक्ट में मान लीजिए किसी ने मुकदमा कर दिया तो हर महीने वो दौड़ा आएगा तो कब छुट्टी मिलेगी, कहां से काम मिलेगा। इस नाते उसको ये पूरी तरह से छूट होती है कि वो हर महीने न आए करके जब भी कोई खास जरूरत होगी तभी वो छुट्टी लेकर के वो आ सकता है, जिसके लिए कोर्ट उसको छुट्टी के लिए सिफारिश करता है। क्रिमिनल एक्ट में भी उसी ढंग से सिफारिश की जाती है कि वो क्रिमिनल एक्ट में फंसा है तो उसको किसी समय के लिए दे दिया जाए, लेकिन वो बार बार इसी ढंग से दौड़ा जाएगा और उसको जेल में बंद कर देंगे तो वो क्या काम करेगा। इसलिए इसके एक फिलॉसफी है कि देश हित जरूरी है और नेशन के हित में ये सबसे जरूरी बात है कि उस व्यक्ति को पूरी तरह से सिविल और क्रिमिनल एक्ट में सुरक्षा प्रदान की जाए। इसी नाते उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जी ठीक है सर, ये अदालतों में सैन्य कर्मियों को किस तरह की प्राथमिकताएं मिलती हैं, कैसी प्रायोरिटीज मिलती हैं? ये बात आपने ठीक कही। देखिए सैन्य कर्मियों को अदालतों में प्राथमिकता तो इस आधार पर मिलती है कि वो अगर मान लीजिए जैसे अदालतों में आप अदालतों के बारे में तो एक बहुत गलत धारणा बन चुकी है ना, लोग कहते तारीख पर तारीख हर महीने एक दो बार तारीख पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में अगर सैन्य कर्मी को भी हर महीने में दो बार आना पड़ेगा तो कैसे आएगा, ना तो वो आने का उसकी उतना क्षमता है और ना उसको उतनी छुट्टी मिल सकती है। ऐसी स्थिति में उसको ये बुरी तरह से ये छूट मिली होती है कि वो अपनी बात को वही कह करके और उसको अदालत में भेज दे, अदालत उस पर निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है और उसको छूट दे दी जाती है कि वो इस ढंग से पचड़े में न पड़े। तो ये एक बड़ी चीज है कि अगर अदालतों में आपको एक सिविल आदमी की तरह से बार बार परेशान किया जाए तो ये देश के हित में नहीं है और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि उसका जहां उपयोग हो रहा है वहां उपयोग किया जाए, ये नहीं कि यहाँ पर ले आके कर दिया जाए कि वो दिन भर अदालत का सामना करता रहे। इसीलिए उसको ये छूट मिली होती है और इस छूट का वो कई बार ये देश को लाभ होता है, समाज को लाभ होता है, उस व्यक्ति को तो मिलता ही है। जी सर, एक्ट के तहत किन किन अपराधों को संगीन माना जाता है और कैसी सजा के प्रावधान है इसके अंदर? देखिए एक्ट के तहत ये है कि इसके संगीन अपराधों का कोई चल रहा है वो उसने किसी का मर्डर कर दिया या किसी आप यहाँ हमारे यहाँ प्रिजनर ऑफ वॉर आ गया है, कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया है और उस बंदी बनाने के दौरान उस व्यक्ति के खिलाफ दुर्व्यवहार हो रहा है और उसकी मारपीट कर रहा है कोई सैन्यकर्मी, तो इस ढंग का। या मान लीजिए कहीं चला गया है और वहां पर वो हत्या और बलात्कार में पूरी तरह से जुट जाता है तो वो उस देश के बाहर, और या कहीं की आर्मी आती है तो उस ढंग से व्यवहार करने लगती है, तो ऐसी चीजों पर कोई कार्रवाई होना जरूरी है। और इसीलिए कहा जाता है कि आप देखें जैसे हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो ये कहा जाता था कि आर्मी जो है वो किसी चीज को नहीं देखती कि क्या करना है, आर्मी जो है दुश्मन के देश में जब घुसती है तो वो वहां की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करती, जैसे आपने बांग्लादेश में देखा होगा और दुनिया भर के देशों में ऐसी स्थितियां आती, तो इसके लिए कहा जाता है कि उन पर अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनको निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और कड़ापन नहीं रखा जाएगा तो ये उस आर्मी की इमेज को खराब करेगी, उस देश की इमेज को खराब करेगा, इसीलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसमें ऐसे घटनाएं होती है जैसे
यहाँ आर्मी का आदमी पड़ा हुआ है, कोई घटना उसके दुश्मन देश को कोई आदमी दे रहा है या कोई जंग के काम कर रहा है कि आर्मी का दुश्मन देश की आर्मी का प्रिजनर ऑफ वॉर यहाँ पड़ा हुआ है, उसके साथ मारपीट की जा रही है या यहीं पर रह करके आप वो आर्मी से छूट मिली हुई है तो कोई आदमी आए और वो किसी आदमी को मार दे, तो ये सब चीजें नहीं हो सकती है। इसी नाते उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका परमानंद पांडे जी, आपने आर्मी एक्ट से संबंधित बहुत ही विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।